स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास के लिए दो बुक्स आई हुई हैं। आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले वर्क बुक और टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, अभी टेक्स्ट बुक है और एक साथ में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर है। जो ये मूमेंट्स है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर्स है और ये जो विहाइव है ये आपकी टेक्स्ट बुक है। एक एक करके हम इसके अंदर का कंटेंट देखते हैं, क्या कंटेंट दिया हुआ है इसमें। ये जो पहली बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, इसमें ये देखिए टोटल दिए हुए हैं आपको 11 लेसन दिए हुए हैं ना। पहले 19 लेसन हुआ करते थे, अभी आपको इसमें जो है वो 11 लेसन दिए हुए हैं। पहला लेसन जो दिया है आपको ये दिया है द फन दे हैड। वैसे स्टूडेंट्स, मैंने ये 12th में पढ़ाया हुआ लेसन है, मुझे याद है ये 12th में। अभी जो एमपी बोर्ड की जो पहली बुक थी पुरानी वाली, उसमें ये वाला चैप्टर ना 12th क्लास में 17 लेसन में था। तो कुछ कुछ तो बेसिकली चेंज हुआ है, तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद में ये जो सेकेंड पोयम लग रही है मेरे को, द रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई, ये भी मैंने 11th में पढ़ाई हुई पोयम है ना। तो ये आपका सिलेबस है, 11th लेसन ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके अलावा ये जो मूमेंट्स बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, इसको देख लेते हैं इसमें क्या आपका कंटेंट है। इस कंटेंट को देखते हैं हम। ये इसमें लगभग 10 चैप्टर दिए हुए हैं। ये पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है ये। तो ये सब अपन को एक एक करके हमें पढ़ने होंगे। तो अभी मैंने ये वाला वीडियो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बुक से दिखा दूँ मैं कि क्या सिलेबस है ये। फिर उसके बाद में कल से हम इसका लेसन वाइज स्टडी करेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये आपकी मॉन्यूमेंट्स जो मूमेंट्स है, इसको देखिए, ये इस तरह से सामने से ऐसे दिखती है और पीछे से इस तरह से है। क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने अभी बुक भी नहीं देखी होगी, कंफ्यूज होंगे कहाँ बुक लें, कौन सी बुक चेंज होकर आई है। ये सिलेबस जो है आपका, ये 11th का भी चेंज हो गया है और 9th का भी चेंज हो गया है। अभी 10th का और 12th का वही है। वैसे एक साथ कभी सभी क्लासों का नहीं चेंज होता है, पहले होम एग्ज़ाम में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में। हालांकि अब बोर्ड एग्ज़ाम तो रहा नहीं इस बार, 10th और 12th की भी शिक्षा नीति जो बदली है उसके तहत अब देखते हैं किस तरह का एग्ज़ाम होता है। ओके, मुझे लगता है आपने ये समझ ली होंगी बुक्स क्या है। कल से हम लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।